नमस्ते दोस्तों, वंसभाई देसी किचन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी फिश पसर। आज हम बनाने वाले हैं कांदे वाली फिश। उसके लिए मैंने आधा किलो बहुत ही बढ़िया फिश लिए, अच्छे से इसे धो लिया है, इसका पूरा पानी निकाल लिया है छन्नी में रख के। अब इसे हम करेंगे मैरिनेट। फिश बहुत ही बढ़िया आपको धो लेनी है और एकदम साफ कर लेनी है। सबसे पहले हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ठंडी का मौसम है, जुखाम वगैरह होता ही रहता है और उसमें फिश बहुत गर्म होती है। अगर आप ठंडियों में फिश खाना पसंद करते हैं, जो आपको फिश खाना बहुत अच्छी लगती है, तो आप बिल्कुल इसे ट्राई ज़रूर करिए। अब इसमें हमने डाली है लाल मिर्च पाउडर स्वादानुसार, जो ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहता है वो ऐड कर सकता है हरी मिर्च भी। अब हम डालेंगे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और ये डालेंगे सबका स्वाद का राजा नमक। नमक के बिना आप कोई भी चीज़ कितनी भी मेहनत से बना लो, कितनी भी अच्छी बना लो, अगर आप नमक डालना भूल गए वो सब्जी आपकी बिल्कुल एकदम टेस्टलेस हो जाएगी। अब इसमें हम डालेंगे एक नींबू का रस। साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। सब मसाले हमने डाल दिए हैं, अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। पूरा मसाला फिश के अंदर तक जाना चाहिए और पूरी चीज़ें इसमें मिलनी चाहिए, एक भी पीस हमारा बिना मसाले का रह नहीं जाए। इसी तरीके से हमें पूरा अच्छे से मिला लेना है। पूरे मसाले हमारे बढ़िया तरीके से फिश को लग चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे एक चीज़ और, ऊपर से इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। सरसों का तेल लगा के, और इसमें हमने गरम नहीं किया, सरसों का तेल कच्चा ही लगाया है, जिसका एकदम खुशबू बहुत अच्छी आती है। और जब आप फिश को फ्राई करोगे तो आपके जो फिश का टेस्ट रहेगा एकदम दुगना रहेगा। जो नॉर्मल हम रिफाइंड में बनाते हैं या घी में बनाते हैं, ये फिश आपको बहुत ही बढ़िया एक अलग स्वाद देने वाली है। अब इसे हम 15 से 20 मिनट तक ढक के रख देंगे और जब तक हम करेंगे हमारी आगे की तैयारी। फिश को तो हमने रख दिया है 15 से 20 मिनट के लिए ढक्कन लगा के, अब हम करेंगे आगे की तैयारी। इसमें प्याज ज़्यादा लगता है क्योंकि हम प्याज वाला फिश बना रहे हैं। हमने ली है 4 हरी मिर्च, स्पाइसी फिश बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। 3 टमाटर लिए हैं और ये लिया है हमने लहसुन, इसको अच्छे से हम दरदरा सा कूट लेंगे। सबसे पहले हम प्याज काट लेंगे। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कट करना है, थोड़ा सा मीडियम ही कट करेंगे, ना ज़्यादा बारीक हो ना ज़्यादा पतला हो। और प्याज वाली यहाँ पे सिंधी लोगों से बस्तर वाली फीस बोलते हैं, जो प्याज को सिंधी लोग बस्तर बोलते हैं। इस तरीके से हमें पूरा प्याज कट कर लेना है। साथ ही हम हरी मिर्च बारीक काट के नहीं डाल रहे हैं, एक मिर्च के 2 पीस करके डाल रहे हैं, प्याज के साथ ही डालना है। प्याज हमें लाल नहीं करना है। ये हो गया इस तरीके से। सबसे पहले हमें रखना है कुकर। कुकर अच्छे से हमारा गर्म हो जाएगा, हम डालेंगे इसमें सरसों का तेल। फिश हम सरसों के तेल में बना रहे हैं, ना घी में बना रहे हैं ना नॉर्मल तेल में बना रहे हैं। जो ये टेस्ट होएगा ना सरसों के तेल में, आप कोई भी चीज़ बना उसका स्वाद ही बहुत अलग आता है। सरसों का तेल हम बहुत अच्छे से गर्म कर लेंगे, जब तक उसका अच्छे से धुआं नहीं उड़ जाता और उसकी पूरी स्मेल जो निकल नहीं जाती है, तब तक हम बढ़िया तरीके से सरसों का तेल गर्म कर लेंगे।
देख रहे हैं आप कितना बढ़िया एकदम सरसों के तेल का धुआं निकल आ रहा है, पूरी सरसों के तेल की स्मेल निकल गई है। अब जो लहसुन हमने दरदरा सा कूट लिया था, सबसे पहले उसे हम डालेंगे। लहसुन हमारा गुलाबी कलर हो गया है और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है, क्योंकि तेल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था तो लहसुन भी एकदम झटपट लाल हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज और हरी मिर्च हमें साथ में ही डालनी है, अलग अलग से नहीं डालनी है। जिसे हम चला लेंगे, गैस मैंने कम पे ही रखा है, फुल पे बिल्कुल नहीं किया है, क्योंकि इस सब्जी में हम पानी बिल्कुल नहीं डालने वाले हैं, ना प्याज को हमें लाल करना है। बस 2 मिनट इसे पूरे लहसुन के साथ सौटे कर लेना है, जो इसका पूरा कच्चापन है वो निकल जाए। 2 मिनट जब तक हमारा प्याज सौटे होता है, हम जब तक टमाटर काट लेते हैं। जब तक हमारा टमाटर कट जाता है, हमारा प्याज भी अच्छे से सौटे हो जाएगा और अलग से आपका टाइम भी बच जाएगा, जो आपको सब चीज़ें अलग अलग करनी ना पड़े। मेरी आंटी बोलती थी, फटाफट से अगर तुमको खाना बनाना सीखना है तो बहुत जल्दी जल्दी तुम्हें हर एक चीज़ करनी पड़ेगी। अलग से आप चीज़ें काटते कूटते मत बैठिए, फटाफट से आपकी इससे स्पीड भी बढ़ जाएगी और आपका खाना भी बहुत जल्दी बन जाएगा। अचानक से आपके घर पर कोई आ जाता है और आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है या कोई हेल्प करने के लिए नहीं होता है, उस टाइम पे आप किसी का वेट नहीं करते बैठो, फटाफट से आप अपनी स्पीड इतनी अच्छे से करो और एक ट्रिक से खाना बनाना सीखिए। क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी आपको कैसे, पहले आप सब चीज़ें काटना बैठोगे, सब चीज़ें काट पीट के फिर वो चीज़ बनते। अभी जब तक मेरा प्याज हल्का सा सॉटे हो गया, देखो आप टमाटर कट के रेडी हो गया। तो जो मेरी आंटी ने बोला था वो चीज़ बिल्कुल गलत नहीं बोली थी, और उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं लाइफ में अपने बहुत काम लाती हूँ और मुझे बहुत हेल्प मिलती है उनके बातों से। अब हम डालेंगे टमाटर हमारे प्याज में। 2 मिनट हो गया, देखिए प्याज भी अच्छे से एकदम सॉटे हो गया है, लहसुन पूरा इसके अंदर घुल चुका है। अब इसके अंदर डालेंगे हम टमाटर। एक बार इसको चला लेंगे। अब डालेंगे इसमें सूखे मसाले। सूखे मसाले में हमें डालना है सबसे पहले नमक। नमक हमें स्वाद के हिसाब से ही डालना है, क्योंकि फिश में भी सब मसाले पड़े हुए हैं, नमक भी पड़ा हुआ है। थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च। मेरी आंटी बोलती थी कि तू सोचेगी कि मैं ये चीज़ इतनी सारी डाल दूँ तो सब्जी मेरी बहुत टेस्टी बनेगी, पर वैसी चीज़ें नहीं होती हैं। आपको सब चीज़ें बराबर ही डालनी पड़ेगी, तभी आपकी सब्जी अच्छे से बन जाएगी। एक चीज़ ज़्यादा डालने से वो सिर्फ उसी चीज़ के ऊपर टेस्ट चला जाएगा, बाकी की पूरी चीज़ें आपकी एकदम उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अगर आप एक ही चीज़ ज़्यादा डालो, जैसे बहुत सारा टमाटर डाल दिया, तो उसमें ना प्याज का स्वाद आएगा, ना लहसुन का आएगा, ना मसाले का। जब आप कोई सब्जी की बाइट लोगे तो सिर्फ आप में उसमें टमाटर टमाटर का ही स्वाद आएगा। ये छोटी छोटी सी जो ट्रिक होती थी, जो मेरी आंटी मुझे सिखाती थी, वो लाइफ में मुझे बहुत काम आई है। लास्ट में हमने डाला है थोड़ा सा गरम मसाला। अब इसे वापस से एक बार चला लेंगे। बिल्कुल आपकी सब्जी बनाने में टाइम नहीं लगता है। अब इतनी टेस्टी सब्जी बहुत ही झटपट बना के रेडी कर सकते हो, और जिसको भी आप खिलाएंगे वो इंसान आपको बहुत पसंद करेगा, उसके दिल में आपके लिए जगह बन सकती है। क्योंकि कहते हैं ना, किसी के भी दिल का रास्ता उसके पेट से हुए जाता है। अब इस पे हम लगा लेंगे ढक्कन, और कम गैस पे हमें 5 से 10 मिनट तक इसे पकाना है। जब तक हमारा प्याज टमाटर की ग्रेवी अच्छे से पक जाती है, हम हमारे फिश को करते हैं सॉटे। एक नॉनस्टिक पैन रखना है हमें गैस पे,
अब बहुत ज़्यादा हमें तेल नहीं डालना है, इसमें भी हम सरसों का तेल यूज़ करें और हमने फिश में भी सरसों का तेल डाला हुआ है, तो थोड़ा सा ही हमें इसमें ऑयल डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है कि थोड़ा सा ही पैन में लग जाए। इस तरीके से हम पूरे पैन में इसे घुमा देंगे और अच्छे से गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। सरसों का तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है और धुआं भी निकल रहा है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे फिश। जो प्याज और टमाटर हमने पकने रखा था इसमें भी बहुत बढ़िया सीटी लग रही है। पूरा मसाला मिक्स ऊपर डाल देंगे। दो मिनट एक साइड से और दो मिनट एक साइड से हम इसे पका देंगे। 10 मिनट हमने प्याज को रखा था गैस पे, 2 सीटी लग गई है। अभी इसका फ्लेम हम बंद कर देंगे। देखते हैं ढक्कन लगाए हुए 2 मिनट हो गए हैं, हम खोल के देखते हैं। वाओ, एक साइड से तो फिश ऐसे लग रहा है पक गई है, क्या मस्त कलर आया है इसका। जो अंदर की पूरी स्मेल है फिश वाली और जो कच्चापन है वो पूरा निकल जाएगा। मेरे आंटी का वो चीज़ होती थी कि अंदर तक नमक जाए, अंदर फीका नहीं होना चाहिए। तो नमक का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ऊपर ऊपर तो नमक लग रहा है और अंदर पूरी चीज़ फीकी है, उसमें नमक ही ना हो। हम पलटी कर देंगे। कलर देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है और तेल बहुत कम यूज़ किया है, क्योंकि आंटी बोलती थी ज़्यादा तेल डालने से सब्जी बहुत टेस्टी नहीं बनती है। सब चीज़ें ऐसी डालो कि ऊपर आपका तेल तैरता रहे, सब्जी में बिल्कुल भी स्वाद ना हो। तो तेल का मैंने बहुत ही कम यूज़ किया है यहाँ पे। अब दूसरे साइड में भी हम 2 मिनट ढक्कन लगा के रख देते हैं। दो मिनट हो गए हैं, दूसरे साइड से भी हम देख लेते हैं खोल के। वाओ, दोनों साइड से फिश बहुत बढ़िया बन गई है और तेल भी बहुत कम है और खुशबू भी बहुत बढ़िया फिश की निकल रही है। ये देख सकते हैं आप, तेल आपको बिल्कुल भी कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है। आंटी ने जैसा मुझे सिखाया था मैंने वही बात अपनी लाइफ में चलाई है और उसी हिसाब से मैं चल रही हूँ और काफ़ी चीज़ें मेरे लिए ईजी हो गई है जैसे आंटी ने मुझे बताई थी। अब हम देखेंगे कुकर खोल के हमारी सब्जी का क्या हाल है। वाओ, ये भी देखिए कितनी बढ़िया तरीके से एकदम प्याज टमाटर हरी मिर्च का जो एक मिक्सर हो गया है बहुत ही बढ़िया हो गया है। और हम इसके साथ अगर हमारी फिश को डालते हैं तो हमारी फिश की सब्जी नहीं बनती, भरता बन जाता। इसलिए आंटी ने मुझे सिखाई है कि दोनों चीज़ हमें अलग अलग से पकानी है। अब प्याज को हम मिला लेंगे हमारे फिश में। फिश देखिए कितनी बढ़िया बन गई है। अगर किसी को फ्राई फिश खानी है बिना तेल वाली तो ये आप हरी मिर्च की चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ, टमाटो केचप के साथ आप एकदम स्नैक्स में ये फिश खा सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगेगी। और जिसको रोटी सब्जी के साथ खानी है, अब इसमें हम ये मिला देंगे। पानी का हमने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है और इसमें अभी आपको बहुत ज़्यादा चलाना नहीं है, ये बहुत ही हल्का हल्का सा घुमाना है कि आपकी फिश टूटे नहीं, क्योंकि फिश भी पक चुकी है, प्याज वगैरह भी पक चुके हैं, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए नहीं तो आपका पानी अलग चला जाएगा और फिश का स्वाद अलग आ जाएगा। अब ये कुछ एकदम प्याज की बाइट जो इसमें बनी हुई है थिक एकदम ग्रेवी और फिश, ये जब आप रोटी के साथ खाओगे, जवारी के ढोडे के साथ खाओगे, जो मेरे अंकल को बहुत पसंद आता था जवारी का ढोडा और फिश उनकी फेवरेट होती थी, तो आंटी स्पेशली उनको बना के खिलाती थी।
उसके बाद तो ओहो, जो भी आंटी कहती थी अंकल को वो चीज माननी ही होती थी। ये देखिए बिल्कुल टाइम नहीं लगता इसमें बनाने में। अब इसके ऊपर हम डालेंगे ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला, ये थोड़ा सा हम गरम मसाला डालेंगे, बहुत ज्यादा नहीं डालना है, हल्का सा। जो ऊपर का गरम मसाले का स्वाद आता है वो बहुत अलग होता है, क्योंकि हमने फिश में भी डाला था, प्याज वाले मसाले में भी डाला था और ऊपर से भी डाला है। अब ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। ओहो क्या बात है। अब इसे आप गेहूं के रोटी के साथ, चावल के साथ, जवारी के ढोडे के साथ, किसी के साथ भी फिश खा सकते हैं। फिश हमारी बन के एकदम रेडी हो गई है। तो मेरी आंटी वाली रेसिपी बिल्कुल ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।